प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जयपुर नगर निगम में शहरी सरकार की यदि बात की जाए तो बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी के मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ जी आज धरने पर बैठे हैं। धरने का कारण क्या है? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज की बड़ी विकराल समस्या धारण करती जा रही है। चाहे वार्ड नंबर 132 हो, चाहे 125 हो, चाहे 126 हो, पूरे 100 जो हमारे जो 26 वार्ड हैं उसमें सीवरेज की समस्या बड़ी ज़बरदस्त। हमने कल महापौर जी से बात की, 15 दिन से लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं परंतु कोई समाधान नहीं हो रहा। कल हमने महापौर जी को फ़ोन किया और उनको कहा कि यदि कल सुबह तक सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम वार्ड नंबर 132 में धरना देंगे। और आज हमने धरना दिया। मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महापौर जी अधिकारियों के साथ, इसमें DC भी आए हैं, यहाँ के एक्शन भी आए हैं, गैरेज के हमारे चेयरमैन महोदय भी आए हैं, और इन्होंने यह आश्वस्त किया कि 3 दिन में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में सीवरेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने कहा कि 2 दिन आपको और बोनस के, 5 दिन में आप यदि सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो सोमवार को कालीचरण सराफ के नेतृत्व में लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग को हम जाम करेंगे और वहीं पर धरने पर बैठेंगे। कालीचरण जी, बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में नहीं है, लेकिन जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आप ही का बोर्ड है और महापौर जी भी आपकी, जो आपको मनाने के लिए आई है, तो क्या इनकी कार्यशैली पर आपको संदेह था कि जो आपको धरने पर बैठना पड़ा? कार्यशैली इनकी बहुत बढ़िया है, इसीलिए अधिकारियों को चेताने के लिए और हमने ये धरना किया है। और महापौर जी को धन्यवाद दूंगा कि महापौर जी यहाँ पर आ गई, अधिकारियों के लवाजमे के साथ आ गई। तो मतलब बीजेपी बोर्ड के, जो बीजेपी का बोर्ड है नगर निगम में, महापौर की और बोर्ड की अधिकारी सुनते नहीं है? किसको नहीं सुनते? मतलब यदि तो ये इनके साथ अधिकारी आते क्या? यहाँ अधिकारी आए ने, तो फिर आप फोन पर भी तो उनको बोल के समस्या का समाधान करा सकते थे। जनता को क्या पता लगे जंगल में मोर नाचा, इसलिए जरूरी है, समझे? महापौर जी, आपको लगता है कि बीजेपी के तमाम लोग यदि इस प्रकार की चीजें करेंगे और आप धरने पर आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई साहब का काम तो पूरी दुनिया जानती है इनको, ये तो वैसे मजाक में कह रहे हैं, इनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, इनके इशारे पे काम होता है। लेकिन फैक्ट जो मैं आपको बताऊं, जो ये जो ठेका दिया गया है मेरे पहले से, मुझे नहीं पता, मैं खुद भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी बात होती है, ये सब लोगों को पता है, हम बार बार मीटिंग करके कर रहे हैं, बार बार हम उसको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जिन कंडीशंस पे हम 5 मीटिंग कर चुके हैं उसको अल्टीमेटम दे दिया। हमारे जो DC है वो भी इसके अगेंस्ट है, ये हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं दोनों, ये भी अगेंस्ट हैं कि जिस तरह से वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा, हमने खुद ने अल्टीमेटम दे दिया। उनको कमिश्नर ने भी कह दिया है कि तू अपना पैकअप कर लेना, लास्ट हमने 4 दिन का दिया था, अब ये सामने आ गया वो काम नहीं कर रहा, हमें सबूत मिल गया, ये हमें सबूत देना चाहते थे कि ताकि हम सबूतों सहित उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। क्या सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, क्योंकि आप बीजेपी की सरकार कांग्रेस की है और अधिकारी भी क्या आपके कहने पे काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, अधिकारी अगर, अभी भाई साहब ने कहा ना, अगर कहने पे काम नहीं करते तो पूरा लवाजमा यहाँ पर आया है ना, वो खुद भी संतुष्ट नहीं है, हमारा गैराज का DC भी संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर यज्ञमित भी संतुष्ट नहीं है, जितने JN कोई भी उसके काम से संतुष्ट नहीं है। ये हमें भाई साहब ने मौका दिया है, ये बहुत अच्छा मौका दिया है, इस बहाने से हम उसको बता देंगे प्रूफ, क्योंकि उसने 3 दिन कहा था कि मुझे 3 दिन दे दो, उसके बाद मैं लिखित में दे दूंगा कि मैं खुद छोड़ दूंगा। कालीचरण जी, अब एक लास्ट सवाल आपसे है, क्योंकि 2 महीने का कार्यकाल था कार्यवाहक महापौर शील हवाई जी का, लेकिन अब उनकी फाइल आगे गई है सरकार के पास कार्यकाल बढ़ाने के लिए, क्या इनके 2 माह के कार्यकाल में आपको संतुष्टि नजर आ रही है और क्या बढ़ना चाहिए कार्यकाल? बिल्कुल, इनकी कार्य प्रणाली से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के नाते शील दवाई जी का कार्यकाल, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता जब तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो ये है कालीचरण सराफ जी और कार्यवाहक महापौर शील दवाई जी। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि सरकार, शहरी सरकार यहाँ पर बीजेपी की है, बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों को धरना देना पड़ता है क्योंकि सीवरेज की जो कामकाज है उससे जनप्रतिनिधि और पार्षद क्षेत्र के वो भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि महापौर ने आश्वासन जरूर दिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक इस प्रकार की समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधियों को धरना पर बैठना पड़ेगा। पीयूष शर्मा, ETV भारत, जयपुर।